वेलकम टू एस आर इंग्लिश इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ इज आर शर्मा। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल चैप्टर पर बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में इसके पहले मैं आर्टिकल पार्ट वन वीडियो लेक्चर में अ, अन तथा द के करेक्ट उच्चारण के बारे में बताया था और दूसरे आर्टिकल पार्ट टू वीडियो लेक्चर में खास तौर पर अ तथा अन के 10 करेक्ट यूज के बारे में बताया था। आज मैं आर्टिकल पार्ट थर्ड के वीडियो लेक्चर में अ या अन के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स तथा उनके करेक्ट यूजेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे वीडियो लेक्चर को शुरू करें। आगे के वीडियो के लेक्चर शुरू करने के पहले छात्र ध्यान दें कि अपने साथ पेन और कॉपी अवश्य रखें और प्रत्येक रूल को नोट करते चलें। रूल नंबर 11। इसके पहले मैं 1 to 10 तक आर्टिकल के पार्ट टू लेक्चर में बता चुका हूं, तो यहां पर रूल होगा अ या अन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग, अ क्लास ऑफ थिंग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यहाँ पर एस सी एन का मतलब हुआ सिंगुलर, सी मीन्स काउंटेबल, एन मीन्स नाउन, यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अ हॉर्स, यानी कि कोई घोड़ा एक जानवर होता है, यानी कि दुनिया के जितने भी घोड़ा होगा वो एक जानवर ही होगा, अर्थात यहाँ पर अर्थ होगा सभी घोड़े, यानी सभी घोड़े जानवर होते हैं। इसी तरह अ काउ, यानी दुनिया का कोई भी गाय होगी, कोई भी गाय जो हो वो डज नॉट ईट फ्लैश, यानी मांस नहीं खाती है, यानी कि इसका मतलब है यानी कि अ काउ यानी कोई गाय, यानी कि सब दुनिया की कोई गाय या अर्थात सभी गाय मांस नहीं खाती है, चाहे वो दुनिया के कोई भी गाय हो। इसी तरह अ बुक इज यूजफुल, यानी कि अ बुक यानी कोई किताब, यहाँ पर अर्थ हुआ कोई किताब, यानी कि दुनिया के कोई भी किताब हो, यानी सभी किताब, इज यूजफुल यानी लाभदायक होता है, यानी कि सब ये कोई किताब लाभदायक होता है, अर्थात इसका अर्थ होगा कि सभी पुस्तकें या बुक्स की लाभदायक होती है। नेक्स्ट रूल नंबर 12। यदि दो एडजेक्टिव एन से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो अ या अन का प्रयोग पहले प्रयुक्त एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, यानी कि यहाँ पर अ का प्रयोग है और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट, यानी ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और व्हाइट भी एडजेक्टिव हुआ जो एंड से जुड़ा है, और उसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग है, और ऐसे में दोनों एडजेक्टिव के पहले ब्लैक और व्हाइट, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग न कर किसी एक एडजेक्टिव के पहले जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इससे यह बोध होता है कि एक ही पिक्चर काला और उजला है, यानी कि एक ही पिक्चर है जो काला भी है और उजला भी है। इसी तरह है अन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय, इसमें भी ऑनेस्ट और एंड इंटेलिजेंट ये दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों के पहले मात्र एक आर्टिकल का प्रयोग है, तो ऐसे में किसी एक छात्र का बोध हो रहा है जिनमें क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी एक ही छात्र जो ईमानदार और तेज है। तो जब दो एडजेक्टिव एक साथ एंड से जुड़े हैं और उनमें से किसी एक एंड के पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देने से वो सिंगुलर यानी एक ही वस्तु का बोध होगा या व्यक्ति का बोध होगा, जैसे ये दोनों में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अंतर होने के कारण अब इसका कुछ अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे
रूल्स 13, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उससे दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों एवं वस्तुओं का बोध हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है। यानी अंतर यही है कि ये सिंगल काउंटेबल नाउन है जिसके पहले दो एडजेक्टिव है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अंतर यही है कि इन दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। तो इससे ये बोध होता है कि यहाँ पर दो चित्र है, एक ब्लैक भी है और एक व्हाइट भी है, यानी दो चित्र जिसमें एक काला तथा दूसरा उजला है। यदि इनमें से एक यानी आर्टिकल को हटा दिया जाए तो इससे ये बोध होने लगेगा कि एक ही पिक्चर है जो काला है और उजला भी है, जैसा कि ऊपर वाले रूल्स में था। ठीक इसी प्रकार एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, इसलिए इससे बोध होता है कि ये छात्र है, जो दो छात्र है जो ऑनेस्ट है और एक ऑनेस्ट है और दूसरा जो है इंटेलिजेंट है, यानी दो छात्र जिनमें एक ईमानदार तथा दूसरा तेज है। नेक्स्ट रूल्स नंबर 14, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो प्रथम सिंगुलर नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और टीचर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और दोनों एंड से जुड़ा है, और ऐसे में किसी एक ही आर्टिकल का, किसी एक ही नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, यानी कि एन के पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, तो इससे यह बोध होता है कि एक ही व्यक्ति है जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, वो पढ़ने का भी काम करता है और पढ़ाने का भी काम करता है। ठीक इसी तरह है और डांसर एंड सिंगर, यानी एक ही व्यक्ति है जो डांसर भी है और सिंगर भी है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग न कर मात्र दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग न कर केवल एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, जिससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है और वो दो तरह से वो काम करता है, यानी यहाँ पर वो नाचता भी है और गाता भी है। ठीक थोड़ा सा इस ऊपर वाले में अंतर होने से अर्थ भी बदलेगा और वाक्य भी बदल जाएगा। एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराना हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए ऊपर जो पिछले रूल्स में जो था कि एक ही आर्टिकल का प्रयोग था दो एंड से जुड़े हुए सिंगुलर नाउन के पहले, ऐसे अब इस रूल्स में है कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अलग अलग हुआ है, यानी कि स्टूडेंट के पहले अलग आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और टीचर के लिए अलग आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इससे बोध होता है कि स्टूडेंट अलग है और टीचर अलग है, जो एक साथ बोला गया है, यानी दो व्यक्ति जिसमें एक छात्र है और दूसरा शिक्षक है। केवल देखिए केवल एक आर्टिकल के बढ़ जाने के कारण यहाँ पर अर्थ में बदलाव आ गया। इसी तरह अ डांसर एंड अ सिंगर, यहाँ भी दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, तो इससे भी दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी दो व्यक्ति जिसमें एक नाचने वाला है और दूसरा गायक है यानी गाने वाला है। तो ऐसे में राइटिंग को लिखते समय हमेशा इस पर ध्यान रखें, नहीं तो थोड़ा बदलाव के कारण, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण कुछ और अर्थ होने लगेगा। 16 रूल्स 16 में अब कुछ फ्रेज जैसे इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें अ या अन का प्रयोग हुआ है। अ लिटिल
प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अ लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और ऐसे में अ लिटिल का अर्थ एक साथ लगाया जाता है, न कि अ का मतलब ए या कोई या किसी, नहीं, ऐसे में अ लिटिल का मतलब होगा कुछ यानी थोड़ा, जैसे ही हैज अ लिटिल नॉलेज, उसे थोड़ा ज्ञान है, यानी कुछ ज्ञान है लेकिन वो थोड़ा के बराबर है। इसी तरह अ फ्यू के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, इसका भी अर्थ वही होगा जो अ लिटिल का होगा, यानी यहाँ भी अर्थ होगा कुछ, लेकिन यहाँ अर्थ रियली में थोड़ा होगा, यानी थोड़ा, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स यानी कुछ स्टूडेंट, यानी थोड़े स्टूडेंट, यानी कि यहाँ यहाँ भी प्रयोग अ का हुआ, और यानी फ्यू के पहले भी अ का प्रयोग हुआ और लिटिल के पहले भी अ का प्रयोग हुआ, दोनों में अ का अर्थ नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ। नेक्स्ट 18, मेनी अ या एम प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे में अभी तक तो हम लोग ज्यादातर मेनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेनी के बाद में अ या अन का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थिति में इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे मेनी मेनी मैन कहें या चाहे मेनी अ मैन कहें, यानी मेनी अ या अन का अर्थ यहाँ पर लगेगा बहुत, जैसे मेनी अ मैन यानी बहुत आदमी, मेनी एन ऑक्स यानी बहुत बैल। अब यहाँ पर हम अ और ऑन को हटाकर भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे मेनी मेन, लेकिन अंतर यही होगा कि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना होगा, मेनी मेन एम एन करना पड़ेगा यानी बहुत आदमी, मेनी ऑक्सन करना पड़ेगा, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, दोनों का सेम अर्थ आएगा। अब नेक्स्ट 19 रूल्स में ऊपर के ही तरह है, ऊपर पिछले रूल्स की ही तरह है, कुछ फ्रेज हैं जिनमें हमेशा अ या अन का प्रयोग किया जाता है, इसका भी अर्थ एक साथ लगाते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ यानी बहुत, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट यानी बहुत छात्रगण, इसी तरह अ नंबर ऑफ के बाद में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, इसका भी अर्थ होता है नंबर ऑफ मीन्स बहुत, न कि अ का अर्थ यहाँ पर नहीं लगेगा, एक नहीं लगा सकते, यानी अ नंबर ऑफ मीन्स बहुत, यानी इसका अर्थ होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत छात्रगण। लेकिन इसमें एक बारीकी को समझें कि एक अंतर यह है कि यदि अ के बदले में अन एडजेक्टिव द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका अर्थ बहुत नहीं होगा, यानी फ्रेज न बन करके वो एक एक वर्ड की तरह बनाए हुए वर्ड की तरह काम करेगा और उसका अलग अलग अर्थ लगेगा। जैसे द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या अर्थ होने लगेगा, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ऐसे में अर्थ लगेगा छात्रों की संख्या, और यहीं पर अ के जगह पर केवल द का प्रयोग हो गया, द के जगह पर अ का प्रयोग हो गया तो इसका अर्थ हुआ अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत छात्रगण, यदि द होता तो संख्या होता की संख्या हो जाता। नेक्स्ट कुछ एक साथ फ्रेज हैं जिनको हमेशा ग्रुप में यूज किया जाता है और जिनमें अ या अन का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यानी अ या अन का अर्थ हम अलग अलग नहीं लगा सकते, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार आते हैं, जिसमें कॉमन ईयर में बहुत बार पूछा जाता है, जिनमें छात्र इसको लिखने में काफ़ी गलती कर बैठते हैं, तो इसे ध्यान रखें। इन ए हरी जल्दी से, इन अ फ्लैश एक पल में, इन अ बैड वे बुरी तरह से, इन अ फिक्स तय निश्चित, इन अ वेस्टली मैनर एक क्रूरतापूर्ण ढंग से, इन अ सर्टेन सेंस किसी हद तक, इन अ जनरल वे सामान्यतः, इन अ फॉग परेशान, इन अ हैस्ट आनन फानन। नेक्स्ट इन अ स्पॉट यानी कठिन परिस्थिति में, इन अ नटसेल यानी संक्षेप में, इन अ पिकल कठिन परिस्थिति में, इन अ जिफी पलक झपकते ही, इन अ ट्राइस पलक झपकते ही, दोनों का सेम अर्थ होगा, इन अ मिनट बहुत जल्द,
इन अ बिग वे बड़े पैमाने पर, इन अ मिलियन यानी लाखों में एक, इन अ स्टेट चिंता में, इन अ रन दौड़ना या दौड़ते हुए, एट अ टाइम उसी समय या उसी वक्त, एट अ पुश यानी आवश्यकता पड़ने पर, नेक्स्ट, एट अ गेस अंदाज में, एट अ पिंच आखिर में, एट अ प्राइस अधिमूल्य पर, एट अ स्ट्रोक एक ही वार में, एट अ ग्लैंस एक नजर में या एक झलक में, एट अ सेंटर आसानी से, एट अ लॉस यानी घबरा जाना, एट अ लो प्राइस यानी कम कीमत पर, एट अ स्टोन थ्रो बाल बाल कभी एक्सीडेंट में होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वे बाल बाल बच गए यानी कि वे थोड़ा से के लिए बच गए यानी उनमें कुछ भी दिक्कत नहीं आया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में, एज अ रिजल्ट फलस्वरूप, एज अ फॉर्मेलिटी एक औपचारिकता के रूप में, एज अ जनरल रूल अधिकतर, एज अ रूल यानी प्रायः, आफ्टर अ डिले ऑफ विलंब के बाद, अ सॉर्ट ऑफ एक तरह की या एक तरह से, मेक अ हिट यानी अत्यधिक प्रभाव डालना, अ शॉर्ट वाइल एगो थोड़ी देर पहले, मेक अ नॉइज हल्ला करना, ये मेक अ नॉइज बहुत सारे छात्र इससे अवेयर होंगे। इसी तरह ये सब भी वर्ड्स हैं जिनको राइटिंग में जब प्रयोग करना होता है तो उसमें गलती होने का डर रहता है, इसलिए इसे याद कर जाएं। मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ किसी को बेवकूफ बनाना, मेक अ डील विद सौदा करना, मेक अ गुड गेस एट यानी सही अनुमान लगाना, हैव अ कोल्ड यानी ठंड होना या लेना, हैव एन अपॉर्चुनिटी अवसर होना, हैव अ पेन दर्द होना, हैव अ कफ यानी खांसी होना, हैव अ रेस्ट आराम करना, अ सेल यानी बेचा जाना या बेचना, हैव अ वॉक टहलना, हैव अ चांस मौका होना, हैव अ टॉक इन में या पर बात करना, हैव अ बाथ स्नान करना, हैव अ स्विम तैरना, हैव अ मील दोपहर का भोजन करना, हैव अ ड्रिंक पीना, हैव अ फ्राइड इन गर्व करना, हैव अ हेडेक सिर सर दर्द होना या करना, नेक्स्ट, इन अ मूड मनोदशा या रंग या भाव में, इन अ टेम्पर गुस्से में, एट डिस्काउंट छूट पर, एट अ प्रीमियम उच्ची कीमत पर या प्रीमियम पर या अंकित मूल्य से अधिक, हैव एन इंटरेस्ट इन रुचि लेना या होना, हैव अ वार्निंग चेतावनी देना, टेक अ रिस्क जोखिम उठाना। बस आज इतना ही, अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में द की करेक्ट यूज के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें और साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में छात्रों को नहीं आई हो तो मैं उस कमेंट के माध्यम से प्रत्येक छात्र का जवाब देने का प्रयास करूंगा।